हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू ऑल अगेन इन हेलो अध्यापक चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर चैप्टर वन साइंस, क्लास सिक्स। चैप्टर नेम इज़ द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस चैप्टर इन आवर प्रीवियस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन दैट चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं आपके लिए पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाया हूँ, आइए इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर साइंटिस्ट टू हैव? साइंटिस्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? क्यूरियोसिटी। सेकेंड, वाई इज साइंस कंपेयर टू अ बिग एडवेंचर? क्यों कहा जाता है इसको बिग एडवेंचर की तरह? क्योंकि बिकॉज इट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोरिंग। ओके, थर्ड, अकॉर्डिंग टू चैप्टर वेयर कैन साइंस बी फाउंड? लैब में, नेचर, एवरीवेयर या ओनली स्कूल्स? तो करेक्ट आंसर इज एवरीवेयर। फोर्थ, वट इज द एनालॉजी यूज इन द चैप्टर टू डिस्क्राइब साइंस? एनालॉजी का मतलब हो गया एक तरीके से कि उसको कंपेयर करने के लिए क्या उपमा दी गई है ना, उपमा बोलते हैं ना, खाने वाला उपमा नहीं। एनालॉजी मीन्स वेन वी कंपेयर समथिंग विद समवन। तो साइंस को किसके साथ कंपेयर किया गया है वहाँ पे? अ जिग्सॉ पजल। फिफ्थ, वट हैपन्स वेन अ न्यू पीस ऑफ साइंटिफिक पजल इज डिस्कवर? कोई भी अगर साइंटिफिक पजल डिस्कवर होती है, नहीं तो क्या होता है, तो उससे कुछ और सवाल खड़े हो जाते हैं। इट लीड्स टू मोर क्वेश्चन। सेवंथ, सेवंथ से पहले सिक्स, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को? टू सेव मनी, बिकॉज इट इज अवर होम एंड सपोर्ट्स लाइफ, टू क्रिएट जॉब या टू इंक्रीज पॉपुलेशन? बिकॉज इट इज अवर होम एंड इट सपोर्ट्स लाइफ। अब चलते हैं सेवन्थ की तरफ। वट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ वेराइटी ऑन अर्थ? लाइफ किस फॉर्म में मिलती है? कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्लांट, एनिमल, कार, प्लेन्स, बुक, मूवीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एट, हाउ डज द चैप्टर सजेस्ट फूड इन इंडिया इज फैसिनेटिंग? क्यों है? ड्यू टू इट्स डाइवर्स एंड टेस्टी क्विजींस, या हेल्थ बेनिफिट्स, या एक्सपेंसिव, या सब? ड्यू टू इट्स डाइवर्स एंड टेस्टी क्विजींस। हम ये चैप्टर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, चैप्टर में जो लिखा है उसके हिसाब से। नाइन्थ है, व्हाट डज द चैप्टर से अबाउट वाटर? इट इज हार्मफुल, नॉट एसेंशियल, डिलाइटफुल सब्सटेंस, रेयरली फाउंड, सो इट इज अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। टेंथ, व्हाट हैपन्स टू वाटर व्हेन इट फ्रीजेज एंड बॉइल्स? क्या होता है उसमें? चेंज कलर, इट टर्न्स इनटू आइस एंड स्टीम, डिसअपीयर, इट रिमेन्स द सेम। तो वो कभी आइस में बदलेगा, कभी स्टीम में। इलेवंथ, वाई डू साइंटिस्ट डू सॉरी वट डू साइंटिस्ट डू अकॉर्डिंग टू द चैप्टर? साइंटिस्ट क्या करते हैं? राइट स्टोरी, फॉलो साइंटिफिक मैथड टू सॉल्व प्रॉब्लम, मैजिक करते हैं, बिल्ड हाउसेज, तो वो फॉलो साइंटिफिक मैथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ट्वेल्थ क्वेश्चन, हाउ कैन समवन कुकिंग फूड बी लाइक अ साइंटिस्ट? कोई अगर खाना बना रहा है तो वो साइंटिस्ट की तरह कैसे सोच सकता है? बाई यूजिंग साइंटिफिक मैथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बाई कुकिंग quickly, by creating new recipe, या by cleaning kitchen? तो इसका first है by using scientific methods to solve problem। क्या क्या problems हो सकती है? जैसे हमने एक देखी थी कि कुकर में से जो है दाल बह रही है, बाहर स्पिल आउट हो रही है, तो उसको कैसे रोका जा सके? तो वो जब एक problem है, उसका problem का आप scientific तरीके से solution ढूंढोगे, तो you work like a scientist। 13th, वाई डू साइंटिस्ट ऑफन वर्क इन लार्ज टीम? क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट की कमी है, या वो अपना काम आसान करना चाहते हैं, या वो एक साथ काम करके नई चीज़ें ढूंढना चाहते हैं, या वो रिड्यूस करना चाहते हैं कॉस्ट? तो इसका वैसे तो आंसर बहुत सारे हैं, पर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है सी, टू कोलैबोरेट एंड डिस्कवर टुगेदर। ओके, 14th, वट शुड वन डू इफ दे कैनॉट फाइंड एन आंसर देमसेल्व? अगर किसी को खुद आंसर नहीं मिल रहा है तो उनको क्या करना चाहिए? गिव अप, छोड़ देना चाहिए? आस्क फ्रेंड फॉर हेल्प, इग्नोर द क्वेश्चन, गेस द आंसर? तो उनको जाना चाहिए दोस्तों के पास और पूछना चाहिए हेल्प के लिए। 15th क्वेश्चन, वट डज लर्निंग साइंस हेल्प डेवलप अकॉर्डिंग टू द चैप्टर? साइंस क्या डेवलप करती है? फिजिकल स्ट्रेंथ, कुकिंग स्किल, कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स, या म्यूजिकल टैलेंट? तो करेक्ट आंसर है कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन। 16th, What should you do when you are curious? आपको क्या करना चाहिए जब आप curious हो? Ignore कर देना चाहिए उसको, pose questions and ask कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, avoid asking questions, या keep curiosity to yourself, अपने तक ही रखना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपको सवाल पूछने चाहिए अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो।
अकॉर्डिंग टू द चैप्टर व्हाट इज साइंस कंपेयर टू इन टर्म्स ऑफ जॉय, जॉय के हिसाब से, जॉय के कंपैरिजन में साइंस को किससे कंपेयर किया गया है? तो सॉल्विंग पजल, चिल्ड्रन इंजॉइंग इन द रेन, रीडिंग अ बुक, प्लेइंग अ वीडियो गेम, इनमें से क्या है? सॉल्विंग पजल। 18th क्वेश्चन, व्हाई शुड वी नॉट वरी इफ वी डू नॉट फाइंड ऑल द आंसर्स इन ग्रेड 5? अगर हम क्लास 6 तक सभी आंसर्स ना ढूंढ पाए तो क्या करना चाहिए हमें? तो हमें परेशान क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज साइंस इज टू डिफिकल्ट, बिकॉज द जर्नी ऑफ साइंस गो कंटिन्यूज बियॉन्ड ग्रेड 6, बिकॉज आंसर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज टीचर्स विल प्रोवाइड ऑल द आंसर्स। तो आपको वो याद रखना है, लाइफ अभी शुरू हुई है, सिक्स तो साइंस तो सिक्स के बाद भी चलेगी, राइट? 18th खत्म हो गए, चलते हैं 19th की तरफ। आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे MCQs के लिए आए, जितने MCQs करोगे उतना ही चैप्टर रिवाइज होगा। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज एंड थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स इन द बुक? अगर आपको बुक में ऐसा कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया या कोई एक्सपेरिमेंट दिखता है तो क्या करना चाहिए? इग्नोर कर दो, क्यूरियस हो जाओ, आस्क क्वेश्चंस, फॉरगेट अबाउट इट, राइट देम डाउन विदाउट थिंकिंग। तो हमें क्यूरियस होना चाहिए और उसके बारे में सवाल पूछने चाहिए। 20th, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द चैप्टर अबाउट साइंस? मेन मैसेज क्या है चैप्टर का? साइंस इज डिफिकल्ट एंड बोरिंग, साइंस इज अ जॉयफुल एक्सप्लोरेशन फुल ऑफ मिस्ट्रीज, साइंस इज ओनली फॉर एक्सपर्ट, साइंस इज अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। तो करेक्ट आंसर है बी। चलिए अब हम पहुंच गए फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट फॉर साइंटिस्ट टू हैव, साइंटिस्ट को सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? क्यूरियस होना चाहिए। तो ट्रेट कौन सा हो गया? क्यूरियोसिटी। सेकंड है, साइंटिस्ट ऑफन वर्क इन लार्ज डैश टू कोलैबोरेट एंड डिस्कवर टुगेदर। तो यहाँ पर आएगा दे वर्क इन लार्ज टीम्स। थर्ड है, साइंस कैन बी फाउंड डैश फ्रॉम डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस। तो साइंस कहाँ मिलती है? एवरीवेयर। फोर्थ है, द चैप्टर डिस्क्राइब साइंस एज अ जायंट एंड अनएंडिंग डैश पजल। कौन सी पजल है? जिग्सॉ पजल। फिफ्थ है, द चैप्टर मेंशन दैट फूड इज फैसिनेटिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स डैश एंड टेस्टी क्विजींस। तो क्यों फेमस है? डाइवर्स एंड टेस्टी क्विजींस की वजह से। तो यहाँ पर आंसर आएगा डाइवर्स। सिक्स्थ है, व्हेन वाटर फ्रीजेज इट टर्न्स इनटू डैश एंड व्हेन इट बॉयल्स इट बिकम्स डैश। तो जब फ्रीज करेंगे तो वो आइस बन जाएगा और बॉयल करेंगे तो वो स्टीम बन जाएगा। सेवन्थ, द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग गैसेस एंड डैश दोज गैसेस। क्या आएगा यहाँ? गैसेस करने के बाद उन गैसेस को टेस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर आएगा टेस्टिंग दोज गैसेस। फिलअप्स कंप्लीट करने के बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रेट इज एम्फसाइज एज क्रूशल फॉर साइंटिस्ट इन द चैप्टर? क्या जरूरी है साइंटिस्ट होने के लिए? क्यूरोसिटी। सेकेंड है, व्हाई इज साइंस कंपेयर टू अ बिग एडवेंचर? क्यों कहा जाता है साइंस को एक एडवेंचर की तरह? क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें सवाल पूछने होते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करना होता है, ढूंढना होता है, खोजना होता है, और ये सोचना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसलिए साइंस जो है वो एक एडवेंचर की तरह है। व्हाट एनालॉजी इज यूज टू डिस्क्राइब साइंस इन द चैप्टर? तो हमने ये डिस्कस कर लिया है, क्या एनालॉजी यूज़ की है साइंस को डिस्क्राइब करने के लिए? जिग्सॉ पजल की तरह साइंस को बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट? क्यों है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये हमारा घर है, इट इज़ आवर होम, और अगर हम इसको नहीं संभालेंगे तो यहाँ पर जो लाइफ सपोर्ट करती है वो नहीं कर पाएगी और फिर हम ही जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिफ्थ है, व्हाट मेथड डू साइंटिस्ट यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और डिस्कवर न्यू थिंग? कौन से तरीके अपनाते हैं साइंटिस्ट जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है या कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है? तो साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं वो, जिसमें क्या होता है सवाल पूछे जाते हैं, गैसेस बनाए जाते हैं, और गैसेस किसी चीज़ को गैस करना हाइपोथेसिस कहा जाता है, ठीक है? गैस है, किसी ने अगर अंदाज़ा लगाया तो वो उसकी हाइपोथेसिस है, और फिर उन गैसेस को टेस्ट करना, दिस इज द साइंटिफिक मेथड। सवाल करके, गैस करके, उस एक अंदाज़ा लगाना और फिर टेस्ट करके उस अंदाजे को सही प्रूव करना। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, अब चलते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ। पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंस एंड हाउ इज इट यूजफुल? साइंस क्या है और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है? तो साइंस क्या है? एक वे है, वे ऑफ लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। ये एक तरीका है जिससे हम दुनिया के बारे में सीखते हैं, जो दुनिया हमारे चारों तरफ मौजूद है उसके बारे में सीखते हैं।
इट इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड फिगरिंग आउट हाउ थिंग्स वर्क। सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, टेस्टिंग मतलब है ना, और फिर फिगर आउट किया जाता है कि क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। साइंस इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ्स, कैसे इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ये किस तरह से, एक तो ये हमें दुनिया को समझने में मदद करता है, दूसरा ये हमें न्यू टेक्नोलॉजीज बनाने में हेल्प करता है, और तीसरा ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस हैज़ गिवन अस इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, वेज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये सब चीज़ें हमें साइंस से ही मिली है। देखिए आगे क्या है, आगे एक क्वेश्चन और है लॉन्ग आंसर में। क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्सॉ पजल, हाउ डज दिस एनालॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। हमें ये बताना है कि साइंस किस तरह से एक बहुत बड़ी और कभी ना ख़त्म होने वाली जिक्सा पजल है, और ये जो एनालॉजी हम यूज़ कर रहे हैं कि ये जो जिक्सा पजल है साइंस, ये किस तरीके से हमें हेल्प करती है साइंटिफिक डिस्कवरी को समझने में। ये है क्वेश्चन आपका। अब साइंस को किस तरीके से दिखाया है, साइंस इज डिस्क्राइब्ड एज अ जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सा पजल बिकॉज, क्यों? एवरी न्यू डिस्कवरी एड्स अनदर पीस टू द ओवरऑल पिक्चर ऑफ आवर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। जितना भी हम दुनिया को, यूनिवर्स को समझते हैं, अगर हम दुनिया को, यूनिवर्स को एक बहुत बड़ी जिक्सा पजल के बारे में सोच लें, तो जो चीज़ हमने अभी अभी डिस्कवर की है, ऐसा लगता है कि हमने उस जिक्सा पजल में एक पीस को और ऐड कर दिया है। जैसे जिक्सा पजल होती है, उसमें हम नई नई चीज़ें ढूंढते हैं और फिर उसको सही जगह पर लगा देते हैं, तो हमारी पिक्चर कंप्लीट होती जाती है। दिस एनालॉजी हेल्प्स इलस्ट्रेट दैट साइंटिफिक डिस्कवरी इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। पहली बात ये कि इससे ये पता लगता है कि साइंस जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। ईच न्यू पीस ऑफ नॉलेज और डिस्कवरी लीड्स टू मोर क्वेश्चन एंड फर्दर एक्सप्लोरेशन। जब भी कोई नई डिस्कवरी होगी, तो उससे कुछ और नए सवाल पैदा होंगे, और जब कोई और नए सवाल पैदा होंगे, तो उनके जवाब ढूंढने के लिए हमें फिर से किसी न किसी एक्सप्लोरेशन पे निकलना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर भी समझ में आया होगा और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आए होंगे। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और कहिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय।